यहीं मिलती है सारी चुनावी कहानी, यह है घाट घाट का पानी। और इस सफर में हम पहुंच चुके हैं कुशीनगर, जो कि गंडक नदी के किनारे बसा है। कुशीनगर जो गौतम बुद्ध की महापरिनिर्वाण की भूमि रहा, दुनिया भर से बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग यहाँ आते हैं। पर्यटन स्थल है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, लेकिन इस रोजगार ने कई मासूमों के हाथों से किताबें छीन ली हैं। बेटा नाम क्या है तुम्हारा? सपना। सपना कौन सी लैंग्वेज में गा रही हो अभी? चाइनीज। अच्छा, गाओ। आमिता हो आमिता। और भी लैंग्वेज में आता है? बर्मा। अच्छा, सुनाओ। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। पढ़ने स्कूल जाती हो तुम? नहीं। क्यों नहीं जाती? कितने भाई बहन हो? हमारा तीन भाई पढ़ते हैं। तीन भाई पढ़ते हैं, तुम नहीं जाती? इसका मतलब क्या है? हिंदी में आता है? आता है। क्या है ये, हिंदी में सुना दो एक बार। बुद्ध भगवान का ही लोग पूजा करते हैं। तो हिंदी में भी गाती हो इसे? हिंदी में नहीं है ये, बुद्ध भगवान की पूजा है। और कौन सी भाषा में आता है? लामा भाषा में। चलो यार, भाई साधो करम भरम 2014 के चुनाव में बीजेपी के राजेश पांडे ने कांग्रेस के बड़े नेता आरपीएन सिंह को हरा दिया। एक बार फिर चुनावी दंगल सच चुका है। कोस कोस पर मुद्दे बदले और पांच कोस पर नेता, और आप सब जानते हैं यहीं मिलेगी सारी चुनावी कहानी, क्योंकि यह है घाट घाट का पानी। और हम पहुंचे हैं कुशीनगर में, गंडक नदी से सटा हुआ इलाका है पूरा का पूरा। और कहा जाता है कि यहाँ गन्ना, गंडक और गुंडा, ये तीन बड़े मुद्दे हैं। गन्ना किसान परेशान है, गंडक से कटाव होता है, और लॉ एंड ऑर्डर की बात है तो उसमें भी परेशानी आनी शुरू हुई है। लगभग सारी ही विचारधाराओं के लोग हमारे साथ हैं, तो देखते हैं सारी विचारधाराओं के मंथन से आज कुशीनगर में क्या निकलता है। सर, कुशीनगर बहुत ही मतलब प्रसिद्ध जगह है, गौतम बुद्ध की ये धरती रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि भाई जो अपराध है वो बढ़ता चला जा रहा है, ऐसा कुछ है कि नहीं? एक जमाने में यहाँ जंगल दस्युओं का आतंक था, और ये पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, विश्व में यहाँ की जंगल पार्टी फेमस थी। अब आज के दिन मैं दावे से कह रहा हूँ कि कोई भी सातिर दस्यु इस जिले में नहीं है, और जो है वो जेल में है। दूसरी बात, गन्ना किसान है, एक भी प्राइवेट जो मतलब सरकारी मिल है वो बंद पड़ी हुई है, और जो प्राइवेट मिल है वहाँ किसान घटतौली से परेशान है, उन्हें उनको सही मूल्य नहीं मिल पा रहा है, जो उनका तोला जा रहा है गन्ना सही नहीं तोला जा रहा है। पहली बात आपको बता दें कि पहली बार पूर्वांचल में गन्ना माफियाओं पर लगाम लगा है, हर चौराहे पर खड़ा होकर के और डाली किसानों से तौल करके और मिलों को ले जाके बेच देते। इस बार गन्ना के माफियाओं पर लगाम लगा है, पेमेंट सबसे अच्छा हुआ है। यहाँ पे गन्ने की समस्या को लेके यहाँ मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी आए हुए थे, कहा था भाइयों एंग बहनों
जिस दिन हमारी भाजपा की गवर्नमेंट बनी 100 दिन के अंदर मैं फैक्ट्री चलाऊंगा। सुना है यहाँ सोनिया के लाडले रहते हैं, सुबह का पानी और शाम का भोजन एक साथ होता है, उसके बाद भी फैक्ट्री नहीं चलवा पाए। तो जो प्रधानमंत्री अपने वाणी से 100 दिन के अंदर फैक्ट्री चलवाने की बात, पडरौना फैक्ट्री चलवाने की बात कह के गए थे, आज वो नहीं चलवा पाए तो मैं इसको क्या मानूं? सबसे बड़ा जुमला तो यही रहा, इसी जुमले में जनता फंस गई। यहाँ पे सपा और बसपा भी है, गठबंधन है सपा और बसपा का। सर अजीब सा नहीं लग रहा है साथ खड़े होने में? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। एक दौर था कि जब आप एक दूसरे को साथ होते ही अलग हो जाते थे, आपको तो ट्रेनिंग भी इसी तरह से दी जाती थी कि भैया एक सेकंड मिलता है बसपा की 50 बुराइयां तुरंत बोल देते। नहीं नहीं, देखिए सपा की वो बीते जमाने की बात थी, और आज का जो युग है वो एक ऐसा युग है कि इस युग में जो हमारा देश का संविधान है, वह हमारा देश का संविधान खतरे में है। संविधान की प्रतियां जलाई जा रही हैं, देश का लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, प्रजातंत्र खतरे में है। जिन्होंने वादा किया था ना गुंडा राज ना भ्रष्टाचार, अब की बार योगी सरकार और मोदी सरकार गुंडा राज है अभी यहाँ जी, पूरी तरीके से गुंडा राज है, और लोग हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहा है। कहां अभी आपको मनसा छापर में घटना देखने को मिली थी, एक पुलिस वाला ही एक बच्ची के साथ दुराचार करता है, ये इस सरकार में हो रहा है। तो जब प्रशासन ही इसमें लिप्त हो गई है तो आम जनता का क्या होगा? क्या जुमला बोला, क्या चोरी किया, क्या झूठ बोला, क्या अहंकार किया, यही कहते हैं लोग। ये नहीं कहते हैं कि मेरा बुशर्ट चुरा लिया, मेरे खाते से 500 रुपया चुरा लिया, फला जगह भ्रष्टाचार बच गया, ये मैं नहीं जानता हूँ। बाकी रही संविधान जलाने की बात, तो कौन जला रहा है अभी देश में बता दीजिए, किसको संविधान खतरे में लग रहा है? अनुसूचित जात के लोगों को हरिजन उत्पीड़न में तत्काल गिरफ्तारी भारतीय जनता पार्टी ने दिया, सवर्णों को 10% आरक्षण भारतीय जनता पार्टी ने दिया, कुशीनगर की कोई एक, हमारे भाई साहब ने कहा कि विकास, कुशीनगर की एक कोई सड़क नहीं बच गई, वो नैनीताल से लेकर के पीलीभीत से लेकर के बनारस तक नेशनल हाईवे, पडौना से लेकर के और बगहा तक नेशनल हाईवे, और सारी इस विधानसभा लोकसभा की सड़कों का चौड़ीकरण हुआ है। बिजली एक मिनट भी शहर में नहीं कटती है। ऐसा है क्या, बिजली नहीं जाती है? ऐसा नहीं है, बिजली पूरी कटती है। मैं आपको बता दूं, बिजली की स्थिति ये है कि अभी इलेक्शन जब से शुरू हुए हैं तब से थोड़ा बहुत सुधरा है, नहीं तो इसके पहले पोजीशन वही थी। और आपको मैं बताऊं, हमारे मित्र बोल रहे हैं भाजपा के कि यहाँ दस्युओं को समाप्त कर दिया, ये नहीं उन्होंने उसके साथ बताया कि ये दस्यु पिछले 2 साल में नहीं समाप्त हुए हैं, ये लगभग पिछले 15 वर्षों से समाप्त हैं, और उस समय न इनकी सरकार केंद्र में थी और न भाजपा की न प्रदेश में थी। सपा बसपा ने लगा लिया उत्तर प्रदेश के चुनाव में, विधानसभा में आपके साथ ने अभी हटा दिया उन्होंने, भैया कांग्रेस के नारे हो जाओ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग कैसे निपटेंगे आप इन सबसे? नहीं निपटेंगे, हमारे कार्यकर्ता और हमारे प्रदेश नेतृत्व, हमारे केंद्र नेतृत्व जो सर्वोपरि है उसके बल पे हम लोग निपटेंगे। इस समय गन्ने की स्थिति जो है, किसान पर्ची के लिए मारा फिर रहा है, जहाँ तक सालों से यही है ना, सालों से यही हालत है, गन्ने की पर्ची नहीं मिल रही है, गन्ने की पर्ची नहीं मिल रही है। वही आपके बगल में सोसाइटी, वहाँ पे आप देख लीजिएगा, सोसाइटी के किसान वही पर्ची के लिए दर भटक रहे हैं, और अभी 50% वही तो हम जानना चाह रहे हैं भैया। कांग्रेस आप कह रहे हैं कांग्रेस के जमाने में किसान खुश, समाजवादी पार्टी के जमाने में किसान खुश, बीजेपी के जमाने में किसान खुश, है ना, यही सब आप कह रहे हैं। हमारी सर बता दें, किसान यहाँ पे खुश बिल्कुल नहीं है। टाइम खुश था, बिल्कुल खुश था, समाजवादी पार्टी में खुश था, समाजवादी पार्टी में खुश था, मगर सर बीजेपी के टाइम खुश था। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप सब बात सुन लीजिए, ये राजनीतिक दल के लोग हैं, क्या उम्मीद करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करेंगे? ये तो अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं। आप ये बताइए, आप अपनी पार्टी का विरोध करेंगे? आप भी तो राजनीतिक दल के हैं, आपने अभी कहा। देखिए हम बताएं, सच बात ये है कि जो 10 साल का मैंने जिक्र किया ना आपसे अभी, वो 10 साल के लिए जिम्मेदार पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी है और कांग्रेस। ये समझ रहे हैं कि भैया अगर हम आप सबको अलग अलग हटा दें तो यहाँ राम राज्य आया सालों से, मतलब अलग अलग हम सबकी बात हो रही है। इंटरप्राइजेज को इस मिल ने किसने बेचा गंगोत्री इंटरप्राइजेज को जिसने भी बेचा हो,
मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। 100 दिन में किसानी की बात करते हैं, उनका एक वजूद होना चाहिए, उनकी बात का एक महत्व होना चाहिए। उन्होंने 100 दिन में फैक्ट्री क्यों नहीं चलवाई? आखिर किसानों के साथ उन्होंने छलने का काम किया है। ये पड़रौना शुगर फैक्ट्री के बारे में किसी के पास कोई वास्तविक जानकारी नहीं है, केवल आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। 2011 में समाजवादी पार्टी की सरकार में 4,03,00,000 रुपया बकाया लगा के जवाहर जायसवाल की कंपनी जेएचबी इंडस्ट्री, जो खुद समाजवादी जेएचबी इंडस्ट्री ने पड़ौना शुगर फैक्ट्री को, ये इनकी पार्टी के सांसद थे समाजवादी पार्टी के जवाहर जायसवाल, इन्होंने 4,03,00,000 रुपया बकाया लगा के इस फैक्ट्री को बंद कर दिया। माननीय आरपीएन सिंह जी 2011 से लेकर 2014 तक यहाँ केंद्रीय मंत्री रहे। माननीय मोदी जी ने कि मोदी जी ने कहा था फैक्ट्री चलाने के लिए, यह मैं मानता हूँ कि मोदी जी ने कहा था फैक्ट्री चलाने के लिए, लेकिन 19 सितंबर 2014 माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश के तहत मोदी जी के घोषणा करने के 4 महीने के बाद 19 सितंबर 2014 को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने के आदेश के तहत ये फैक्ट्री नीलाम हो रही है। 34 नीलामी दिवस आयोजित करने के बाद भी इस फैक्ट्री की नीलामी नहीं हो सकी है। उत्तर प्रदेश सरकार, भारतीय जनता पार्टी और यहाँ के स्थानीय नेताओं के प्रयास से इसके अधिग्रहण का प्रयास चल रहा है। अगले सत्र में यह मिल मुद्दे की बात करें तो क्या राष्ट्रीय मुद्दे हैं क्या? अभी आपको लगता है कि मुद्दे की हम बात करें, राष्ट्रीय मुद्दे की बात मैं बोलता हूँ सर। राष्ट्रीय मुद्दे में आज जिस प्रकार से सैनिकों के शौर्य का राजनीतिकरण किया जा रहा है, यह शर्मनाक। नहीं, कुशीनगर के लिए आप सब लोग किसी एक बात पे सहमत हो सकते हैं कि भैया कुशीनगर में ये हो जाना चाहिए, जैसे कि आप सबकी बातों से लगा कि भाई किसी एक 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 मुद्दे पे? मैं आपको बता दूं, आपका मेन मुद्दा था ना, वो कुशीनगर का मेन मुद्दा है। कुशीनगर में सबसे मेन मुद्दा है किसानों की समस्या, गन्ने की समस्या, बीज न मिलना, खाद न मिलना, समय से पेमेंट न होना। और एक चीज मैं आपको बता दूं, यदि मोदी जी एक साल पे गन्ने का पेमेंट करके यदि श्रेय ले रहे हैं तो क्या इसे किसान की खुशहाली कही जाएगी? मैं दिसंबर में गन्ने का सुनिए, कल उसी कांग्रेस से इनका समझौता था, जब कांग्रेस से सट जाते हैं तो ये कांग्रेस के मित्र हो जाते हैं, जब कांग्रेस से बाहर होते हैं तो कांग्रेस हटाने के लिए समझौता करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है 47 पार्टियों को मिला के सरकार चला रही है, और हम दो आदमी का गठबंधन हो गया, लोगों के पेट में ऐंठन क्यों हो रहा है? अरे राम बिना कोई धाम नहीं, राम बिना हो कोई धाम नहीं। इन सब की माने तो सब कुछ अच्छा है, लेकिन काश ऐसा होता। ये महिरवा मुसहर बस्ती है, लगभग 70 सालों तक इन लोगों ने इंतजार किया कि गांव में बिजली आएगी, उसके बाद लगभग 1 महीने पहले यहाँ पर बिजली के खंभे लगे हैं। दादा, कितने साल हो गए थे आपके गांव में लाइट नहीं थी, कब से आप लोग लड़ रहे हैं कि भैया बिजली पहुंचा इस गांव में? लगभग बहुत दिनों से हम लोग संघर्ष किए हैं और बहुत दिनों से लड़े हैं, बाकी आज तक बिजली नहीं था ना, आज भी वो खंभे हले हैं बाकी बल्ब भी नहीं जलता है। 1 महीने पहले खंभे लग गए, तार खींच गए? जी, 1 महीने पहले ये तार लग गए हैं, लेकिन बिजली अभी भी नहीं आई। नहीं आई। तो आप अभी तो चुनाव भी आने वाले हैं, नेता वेता है, उनसे बोला आपने कि भैया इतने साल लगा दिए अपने बिजली पहुंचाने, अब चुनाव से पहले तो बिजली दे दो? नहीं, इसमें तो मान लीजिए कई बार बोल दिया गया है भाई बिजली का सारा चीज का बेहतर, तो कहते हैं जहां बिजली मिलेगी, मिलते अभी प्रयास तो है ही है, संघर्ष जारी है जब बिजली अब आएगी, अभी देखा जा रहा है अब चुनाव के पीरियड में जो क्या किया जा रहा है क्या नहीं किया जा रहा है।
या बीच में दुविधा पड़ गई तो हो गए बारा बाट। जंगल सिसुआ बिहार सीमा से लगा एक गांव, एक नदी है जो बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच में बहती है और एक पुल है जो हर साल बनता है। नदी के ऊपर ये जो पुल बनाया गया है, बांस से बनाया गया पुल है जो कि गांव वालों ने अपनी मेहनत से बनाया है, श्रमदान करके बनाया है। ये शमशुद्दीन चचा हैं जिन्होंने पूरा भार लिया, लोगों को जागरूक किया और कहा कि भैया खुद ही पुल बनाते हैं। और कैसे आपने पुल बनाया, कैसे परेशानी हुई इस बिना पुल के उस टाइम थी? बांस पानी में रोक रोक के हलाते हैं और जब बाढ़ आता है तो नाव से पार करते हैं। बाढ़ के वक्त ये पुल भी बह जाता है? बह जाता है, अब नाव से पार करवाते हैं। नाव से पार करते हैं। तो आप लोगों ने कभी कहा कि सरकार से कि पुल बनाओ यहाँ पे, भैया बहुत जरूरत है, बहुत गांव के लोगों को परेशान? सरकार से तो बहुत बार कह चुके हैं, बहुत इंक्वायरी भी हुआ है, मैं आज से कोई सुनवाई नहीं हुआ। कितने कितने सालों से आप मांग कर रहे हैं इस पुल की? आज 10 साल से हम लोग बोल रहे हैं कि भाई हमको यहाँ पुल चाहिए, हम लोग के नदी घटना से हो जाती है, बाढ़ पीड़ित में हम लोग परेशान हो जाते हैं, यहाँ बच्चे सबको पढ़ने में दिक्कत हो जाती है, कई इमरजेंसी जो रहते हैं बड़ बीमारी में वो जो दिक्कत हो जाती है हम लोग का जाने आने में, अब इमरजेंसी मजबूरी फंस जाती है, हम लोग नहीं जा पाते हैं। तो इस पुल को बनाने में कितना खर्चा आता है, ये जो हर साल आपको बनाना पड़ता है? 50,000। 50,000 कैसे जमा होता है? कुछ अपना लग से, कुछ गांव के सहयोग से। गांव के सहयोग से। कितने लोग पार करते हैं भैया इस पुल को? इस पुल को यूपी और बिहार दोनों के लोग पार करते हैं, विशेषकर बिहार के लोगों का यही मार्केट है, बाकी तो बगहा और धनहा काफी दूर है, तो धनहा से लेकर के मुख्य मार्ग यही है यूपी आने जाने का, और यूपी के लोगों का भी खेती उधर है तो वो लोग भी पार करते हैं। और इस संबंध में हमने माननीय विधायक श्री गंगा सिंह कुशवाहा को 2-3 बार आवेदन कर चुके हैं, कह भी चुके हैं, रोड के लिए तो मैंने लिखित दिया है तथा पुल के लिए वो आश्वासन देते हैं लेकिन बन नहीं पाता है। दो उत्तर प्रदेश और बिहार को जोड़ता है बॉर्डर है। जी जी, उस तरफ क्या है? उस तरफ बिहार है और इस तरफ यूपी है, अभी वर्तमान में यूपी में ही पुल है ये। सरकारें बदलती रही लेकिन लगता है गन्ना किसानों के लिए वक्त थम गया है। दादा क्या नाम है आपका? गोपाल यादव। क्या किसानी करते हैं? जी। क्या बोया इस बार गन्ना? गन्ना। अरे यार ये बताओ गन्ना किसानों की क्या हालत है यहाँ इस इलाके में? बहुत बुरा हालत है। क्या क्या परेशानी हो रही है? पर्ची की परेशानी है, फैक्ट्री पर्ची नहीं दे रही है समय से। वो कह रहे हैं कि भाई नई मिल बन रही है, पैसा टाइम पे मिल जाएगा, सब कह रही है नेता। 2 महीना का पैसा बाकी रखा है फैक्ट्री, इसके बाद सामान गन्ना जो जनरल गन्ना है वो नहीं ले रहा है, केवल वैरायटी फिर रहा है इस समय। अच्छा, 1.5 महीना में एक भी एयरली पर्ची नहीं थी, सामान पर्ची नहीं, जर्नल पर्ची नहीं मिला है। वही दिक्कत है, पर्ची नहीं टाइम से मिल रहे हैं, टाइम से किसान को पैसा नहीं मिल रहा है, किसान क्या करे सब। मान लीजिए कि आर पार का खेती है, ये सुरक्षा आप देख ही रहे, आए हुए तो देखवे किए हैं, टाइम से नहीं पैसा मिल रहा है, नहीं टाइम से पर्ची भी मिल दे रही है, मिल किसान के लिए कोई सुविधा नहीं कर रही है। अरे हिंदू मुस्लिम दोनों भुलाने खटपट माया। तो हर पार्टी के नेता का कहना है कि उन्होंने